नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है समस्या का समाधान आखिर कब। बिलासपुर जिले के रतनपुर में नगर के विकास के लिए और सक्रिय सड़क से लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यह निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खंडोबा मंदिर से लेकर खूंटा घाट तक हो रहे सड़क निर्माण और नाली का निर्माण में गुणवत्ताहीन काम की शिकायत जिले के कलेक्टर से भी की गई, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य में सुधार नहीं है। नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम रात्रे ने सड़क और नाली निर्माण को लेकर कहा कि गलत निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर जहां जहां शिकायत आ रही है इसे विभागीय मंत्री से अवगत करने की बात कही ताकि आमजनों को कोई परेशानी न हो। बाबा से लेकर रेस्ट हाउस होते हुए खूंटा घाट के जाते तक रोड का नया निर्माण हो रहा था और हो रहा है, जिसमें प्रमुख आदमी के घर के सामने नाली और कंक्रीटिंग दोनों कर रहे हैं, जगह देख देख कर निर्माण कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और खंडो भैरव बाबा के पास का जो यह है कि नाली निर्माण तो हो गया है, नाली निर्माण के लिए हम लोग गए थे कलेक्टर ऑफिस पीडब्ल्यूडी ऑफिस, तो नाली निर्माण कराया गया है और अभी तक नाली निर्माण का कार्य हो चुका है, लेकिन जो रोड के किनारे कंक्रीट करते हैं वो कंक्रीट जो बिजली ऑफिस तक के बीच में होना चाहिए था उस बीच में ना हो पाया। पीडब्ल्यूडी के द्वारा नगर के मुख्य मार्ग का निर्माण कराई जा रही है और कुछ कुछ जगह से जो है शिकायत आ रही है नाली नहीं बनने का, कहीं पर चौड़ीकरण का, तो ये सब काफ़ी की धार्मिक नगरी है, विभाग के अधिकारी को समझना चाहिए रतनपुर है, अच्छे से निर्माण हो और शिकायत के संबंध में जो है निर्माण भयंकर धांधली पूर्वक किया जा रहा है और कराया जा रहा है। यहाँ के जितने इंजीनियर और सब इंजीनियर हैं सिर्फ वो अपने टाइम कीपर के सहारे सड़क छोड़ दिया गया है, जहाँ मुरुम डलना है वहाँ तो टोटल मिट्टी डला हुआ है और किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता का पालन नहीं किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कान्हा तिवारी जुड़ गए हैं। कान्हा, मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, शिकायत करने के बाद भी निर्माण कार्यों में सुधार नहीं किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल कविता, भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से सड़क जो है वो कार्य पूर्ण होने से पहले ही भेंट चढ़ने लगी है और लगातार जो है सुर्खियां बटोरा है काफी। यह सड़क जो है कभी नाली निर्माण में गड़बड़ी तो कभी सड़क जो निर्माण है उसमें गड़बड़ी की गई है। किसी जगह जो है नाली सड़क से नीचे है तो किसी जगह जो है नाली सड़क से ऊपर है, तो इस तरह से जो विभाग की अनदेखी है वो कहीं ना कहीं पुल तरफ सामने आ रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में इस तरह से जो बारिश हो रहा है तो इससे जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। बिल्कुल कान्हा, बारिश का मौसम है लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। और अभी एक बाइट में सुन रहे थे, उसमें एक आमजन है वो ये कहते हुए नजर आ रहे कह रहे थे कि जो मुरुम है मुरुम की जगह मिट्टी डाली जा रही है। जी कविता बिल्कुल, किसी जगह मिट्टी डाली जा रही है तो किसी जगह घर का जो कूड़ा कचरा है उसे डाला जा रहा है, इस तरह से रोड पे जो शोल्डर है उसमें डाला जा रहा है और कहीं पे रसूखदार जो है रसूखदारों के घर के सामने जो है बकायदा फ्लोरिंग किया जा रहा है नाली के सामने, लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इंजीनियर स्थानीय लोगों ने बताया है कि इंजीनियर राही है वो अतिरेक राही नाम है उनका, उन्होंने इनको मना कर दिया कि इधर नाली नहीं बनना है और जब इन्होंने कलेक्टर से शिकायत की क्या उसके बाद नाली निर्माण तो किया है लेकिन कुछ दूर तक ही फ्लोरिंग किया गया है कंक्रीटिंग किया गया है। ठीक है, एक दुकान कान्हा हमारे साथ घनश्याम रात्रे जी भी जुड़ गए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है। घनश्याम जी चर्चा में बहुत स्वागत है आपका।
जी नमस्कार घनश्याम जी, हम तस्वीरें देख रहे थे, हमारे संवाददाता जो कान्हा तिवारी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम जानकारी दे रहे थे। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं मामले में हुआ है, मिट्टी की जगह मुर्रम की जगह मिट्टी डाली जा रही है और निर्माण कार्यों में शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते कुछ शिकायत मेरे पास भी आई है इस संबंध में, और मेरे पास शिकायत जो आई है कि पूरे नगर में, वैसे तो नगर में नाली और सुव्यवस्थित प्रांकृत होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं नाली को छोड़ दिया गया है, इसकी मेरे को शिकायत आई है, जिसे मैं माननीय मंत्री जी से अवगत भी कराऊंगा, क्योंकि सरकार हमारी है और कोई गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा अगर गलत काम कराए गए हैं तो उसको, घनश्याम जी आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गड़बड़ी तो हो रही है। मैडम देखिए क्या है, मेरे पास जो शिकायत आई है वो नाली तक पूरे नगर में बनना चाहिए, लेकिन इन लोग बीच बीच में, आप लोग शिकायत पर निर्भर रहते हैं, आप लोग भी फील्ड में निकलिए, देखिए कैसे काम हो रहा है। जी जी जी, मैंने एसडीओ से बात किया इस संबंध में, तो बोले कि हमारे पास नाली का जो बजट है वो हमारे पास नहीं है करके, तो मैं बोला कि लेकिन हमारे संवाददाता कान्हा तिवारी बता रहे हैं कि जो मुरुम है वो जो रसूखदार है उनके घर चमक रहे हैं, उससे उनके यहाँ काम हो रहा है। अब देखिए ऐसा शिकायत भी एक आध दो जगह आया है जिसे मैं खुद जाकर शिकायत करके उसको बनवाया हूँ, पर अगर ऐसा है तो बिल्कुल ही उसका शिकायत योग्य है, वो शिकायत खुद ही ठीक है, देर राय दुरुस्त आए। अब तो आपके पास शिकायत पहुंच गई है, कब तक ये जो सड़क है निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा गुणवत्ता के साथ? अब इस संबंध में जो है मेरे पास कल परसों जो है शिकायत आई थी, तो उस संबंध में मैं जो आपसे बात किया था तो बोले कि जब बरसात है कर देंगे, वो भी है जहाँ जहाँ आप बोलेंगे वहाँ वहाँ कर देंगे, देखते हैं वो कब तक करते हैं, कुछ होगा तो उनको शिकायत किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता हमारे कान्हा तिवारी भी जुड़े हैं। कान्हा, आपका कोई सवाल घनश्याम रात्रे जी से? बिल्कुल, नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने तो लोगों की जो शिकायत है वो सुनी, लेकिन इनकी सरकार जो बैठी है ना, और इसी क्षेत्र के सांसद रहे अरूप राव जो विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने अभी बीच में डायरिया पीड़ितों से मिलने जब आए तो हमने उनसे सवाल किया कि गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण किया जा रहा है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए अरूप राव ने कड़ी कार्यवाही की बात की जो डिप्टी सीएम से, हालांकि अभी तक किसी तरह से कार्यवाही नहीं की गई, ना तो जिम्मेदार अधिकारी इस विषय पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी कभी सर जी, घनश्याम जी ये सवाल है कान्हा का। जी 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 बिल्कुल, उनका सवाल है, होंगे पत्रकार है, पर मेरे पास जो शिकायत आया है उनका मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को जाकर अवगत कराऊंगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नगर मेरा है, नगर का मैं प्रथम नागरिक हूँ, इसलिए जो है जो मेरे पास शिकायत आई है उसका मैं बिल्कुल मंत्री जी से अवगत कराऊंगा। अभी बिल्कुल घनश्याम जी, अभी आप मुख्यमंत्री से इस मामले में अवगत कराएंगे, फिर वो अवगत होंगे, अभी और कितना लंबा समय लगेगा क्योंकि बरसात का समय है? देखिए मैडम, जो है ये कांग्रेस गवर्नमेंट में जो है ये टेंडर हुआ था, ये जो है धीरे 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 कछुआ के चाल में ही ये काम किए हैं पीडब्ल्यूडी वाले, वास्तव में पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी गलतियां हैं जो अपने स्टेप में सुधार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ विशेष तौर पे शिकायत आ रही है उसको, जैसे अभी बीच में कलेक्टर साहब भी शिकायत किए थे जनता जो है नाली के लिए, मैं भी बोला था तो वहाँ नाली बनाए, अब इनका एक ही ये है पीडब्ल्यूडी का कि नाली जो है हम जगह से ज्यादा 60% नाली बनना था, हम 80% बना चुके हैं। घनश्याम जी, कलेक्टर आपकी बात नहीं सुन रहे, आप कहना चाह रहे हैं जब आपने भी कलेक्टर से बात की? कलेक्टर साहब के निर्देश भी कुछ दूर तक नाली बनाए हैं, जबकि नाली पूरा शहर के जितने दूर तक के सड़क निर्माण है उतना दूर तक नाली बनना चाहिए, मेरी खुद की मांग है, पर इन लोग तो मांग पूरी क्यों नहीं हो रही, कहां पर मामला टक गया है? सरकार भी आपकी है, आप नगर पालिका अध्यक्ष ही है, कलेक्टर भी आपके, सब अपने ही है, तो मामला कहाँ टक रहा है? अभी तो ये निर्माण का काम चल ही रहा है, ये जो जहाँ जहाँ भी समस्या है, जहाँ जहाँ लोगों की समस्या वहाँ को बना रहे हैं, जहाँ जहाँ विवाद की स्थिति वहाँ भी रुकी हुई है। तो घनश्याम जी, विवाद की स्थिति क्यों बनती है? अगर ये काम पहले हो गया होता, बरसात के पहले हो गया होता, तो विवाद की स्थिति बनती नहीं? मतलब कि आप लोग विवाद का वो इंतजार करते हैं कि विवाद बनेगी फिर उसके बाद हम काम करेंगे? मैं तो कार्य एजेंसी हूँ नहीं, पीडब्ल्यूडी कार्य एजेंसी है, हम लोग जो जहाँ जहाँ शिकायत है उनका सहयोग भी किए हैं, राजा की अपील भी की है कि नाली बनने दीजिए, आज अगर बड़ा की स्थिति है तो सिर्फ विवाद जहाँ है वहीं पर है, और इसके लिए जो है जिम्मेदार अधिकारी ही है पीडब्ल्यूडी,
तो मैं बोल रहा हूँ माननीय मंत्री जी से ये सब सारी चीज को अवगत कराऊंगा। अच्छा, काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं? आप कभी फील्ड पे निकलते हैं, काम जाकर देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं देखा हूँ। मेरे को एक जो गड़बड़ी दिखी है उसको मैं डीएम से सीओ से बात भी किया हूँ, उसको सुधार भी किया हूँ। जी जी, अभी मेरे पास शिकायत ये आई है कि कंक्रीट में जो है बेस नहीं कर रही है जी। तो कांग्रेस में बेस नहीं कर रही शिकायत है, तो मैं जो है फील्ड में अयोध्या में गया था और वास्तव में जो है कंक्रीट के मोटा कंक्रीट कर रहे हैं जो है, इसलिए बेस की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे कहा गया है। रात्रि जी, आपके ही शहर से स्थानीय निवासी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, लोकेश्वर तिवारी जी। लोकेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में जी। लोकेश्वर जी, क्या कुछ समस्या है आपकी? रोड बन रहा है तो डायरेक्ट और किनारे किनारे पूरा मिट्टी को डाल दिए। अब मिट्टी डालने के कारण ये रोड कीचड़ हो रहा है जिससे गाड़ी घोड़ा है। लोकेश्वर जी, आपको रोकूंगे अभी यहाँ पर। घनश्याम जी, मतलब भी टेंडर पास हुआ है मुरम का, लेकिन डल रही है मिट्टी। कान्हा, मैं सही कह रही हूँ जी? कविता, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए आप दोनों। क्यों लोकेश्वर जी, सही कह रही हूँ मैं? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मिट्टी डल रही है, टेंडर जो है वो मुरम का पास हुआ है। मुरुम नहीं तो मैं डला हुआ है, मौका में आके देखते भी नहीं। एक बार शिकायत करने पे तो नाली का निर्माण किए हैं जी, नाली का निर्माण नहीं करेंगे बोल रहे थे, एप्लीकेशन दे गए थे पीडब्ल्यूडी ऑफिस से दिए थे। क्या कुछ जवाब मिला आपको पीडब्ल्यूडी ऑफिस से लोकेश्वर जी, जरा बताइए। हाँ, वो बोले इसके बाद दूसरे किसी दिन आगे नाली का सर्वे करके निर्माण किए, अभी चल रहा है, नाली निर्माण हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ है, चल ही रहा है। और उसके बाद ट्रांसग्रेसिंग जब किए तो भैरव बाबा के कुछ दूरी तक स्किल से 20-25 फीट ट्रांसग्रेसिंग किए हैं, उसके बाद बंद कर दिया। हम लोग बोले तो बोलते हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में फोन किए तो बोले तो अभी तक बच्चे आगे नहीं बढ़े, हम लोग देखते कि बिजली ऑफिस तक बच्चा सर मिट्टी डाला हुआ है। अच्छा लोकेश्वर जी, आप कह रहे कि मिट्टी डाली जा रही है तो मुरुम सही जगह पे नहीं जा रही है, तो मुरुम जो है वो कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पे मुरुम नहीं डाले हैं, डाले हैं। कविता, मैं बताना चाहूंगा आपको जी कान्हा, जो मिट्टी और मुरुम का जो खेल है ये कुछ जगहों पर किया जा रहा है लेकिन दिखाने के लिए रकम जी दिखाने के लिए, लेकिन उसमें कंक्रीटिंग करके जरूरत बता करके कुछ जगह कंक्रीटिंग किया जा रहा है और इसे लेकर के विवाद की स्थिति बन रही है। रसूखदारों के घर के सामने कंक्रीटिंग किया जा रहा है लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपने पैसे से कंक्रीट किए थे उसे तोड़ करके अभी नाली बनाया गया है हाल ही में, लेकिन वहां पे कंक्रीट नहीं किया जा रहा है। घनश्याम जी, कान्हा और लोकेश्वर जी जो है बता रहे हैं स्थिति क्या है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि बड़े मामले भ्रष्टाचार हुआ है, हो रहा है। इसका शिकायत मुझे नहीं मिला है, स्थानीय लोग जो है ये मेरे पास भी, इसका तो मैं बोल रहा हूँ माननीय मंत्री जी भी स्पष्ट बोल दिए हैं कि कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, हम कार्रवाई करेंगे, इसी चीज को मैं अवगत कराऊंगा कि इन लोग मिट्टी क्यों डाल रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे संवाददाता और स्थानीय निवासी बता दें तो गड़बड़ तो हो रही। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कान्हा आपका भी और रात्रि जी आपका भी और लोकेश्वर जी आपका भी बहुत धन्यवाद।